फाइनली ओके कर दिया अपनी गाड़ी को। और इधर दो ट्रैक्टर थे अपने, ये बड़े वाला, ये उससे थोड़ा सा छोटा। हे गाइस गुड मॉर्निंग यार, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यार सुबह के अभी 11:30 बज चुके हैं और अपना लोडिंग अभी मिला नहीं है। मिला है पर अभी बोल रहे हैं ना एक आध दो और कराने के लिए। इतने में एक गाड़ी और आ गई भाई, जो कि फरीदाबाद से। इसमें भी ट्रैक्टर है भाई, अभी कितने हैं ये तो उस्ताद को ही पता होगा। अभी तो फाइनली अपना खड़ा है, अभी देखते हैं यार यहाँ से कितने ट्रैक्टर लोड कराते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे पूना। यार खाली गाड़ी भेज देते तो और अच्छा रहता, पर खाली गाड़ी भेजेंगे नहीं। बोल रहे हैं कि यार एक आध दो ट्रैक्टर और करवाएंगे, दो ट्रैक्टर मिले हैं, बोल रहे हैं एक आध दो ट्रैक्टर और आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं यार, मिल जाएगा, हमें क्या, कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए और कुछ नहीं। पर कंपनी के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भाई गाड़ी चला रहे हैं ना। तभी ये गाड़ी भी आ गई भाई, देखो लेंथ। तो भाई एक बात और बता दूँ कि अब ना मैं लर्निंग ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि शनिवार को शाम को आपको मिलेगा। अभी आपको टाइम फिक्स करके बता दूँगा कि शनिवार को कब मिलेगा। तो भाई हर एक दिन आपको ना ट्रक चलाने का प्रोसेस बताऊँगा, हर एक शनिवार को शाम को। और एक फर्स्ट ब्लॉग डालूँगा जो कि ट्रक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर उस पर रिजल्ट सही आया, आप लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा आया, लाइक्स अच्छे आए ना, तो फिर मैं और दिन में जैसे हफ्ते में आपको ना एक ब्लॉग दो ब्लॉग ऐसे दो तीन वीडियो डालता रहूँगा हफ्ते में। वैसे भी शनिवार से शनिवार को टारगेट लगाया हूँ कि आपको एक से लेके लास्ट तक ट्रक कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है, सब ब्लॉग शनिवार शनिवार को डालूँगा। अगर भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हफ्ते में दो तीन ऐसे डालूँगा। तो गाइस तो अभी यार ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आपके लिए खुशी की बात है भाई कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ट्रक चलाने के लिए, तो साथ में मैं तो सिखा नहीं सकता रख के, तो इसके लिए मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको वीकली में एक दो ब्लॉग मिलें जो कि ट्रक से रिलेटेड हो, लर्निंग में हो, आप अच्छे से ट्रक सीख पाओ। ठीक है तो चलो फिर शनिवार को तैयार रहो ब्लॉग देखने के लिए। दोपहर के अभी यार 1 बज चुके हैं और फाइनली अभी आए हैं होटल पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे भाई तोता देख सकते हो ना, पैरेट, जो कि यार बोल रहा है। अच्छा भाई आवाज़ सुनाते हैं आपको इसकी, बुलाओ। बोलता है मिठू, क्या कर रहे थे? नाम देख के बोलता है, क्या कर रहे थे मिठू? बीड़ी पी ले दो। मिठू बीड़ी, हाँ बीड़ी मिठू, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हिंदी में बोलो, हिंदी में समझेगा। मिठू क्या कर रहे थे? बीड़ी पीता बेटा, ले बीड़ी बीड़ी। अरे बीड़ी पीने आ रही है। मिठू मिठू क्या करता? क्या करता? मिठू क्या करता? मिठू मिठू की आवाज समझ में आई ना यार, कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। बोल रहे थे लोग जो बोलो वो बोल रहे थे भाई। और खाना पीना भी हो गया और फाइनली महिंद्रा से अपना लोड भी आ गया कि महिंद्रा से आओ, यहाँ पे दो ट्रैक्टर उठाने हैं, तो चलो फिर महिंद्रा से दो ट्रैक्टर लेके चलते हैं। और गाइस अभी यार बाहर निकलते हैं, अभी प्रेशर बना रहा था, एक का तो प्रेशर हो गया, एक का प्रेशर हो रहा है, तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं गाइस अपना ब्लॉग और निकलते हैं महिंद्रा। महिंद्रा से फिर लोड करके ना अकोला मेरे हिसाब से जाना है। अभी हम नागपुर सिटी में जा रहे हैं भाई, सिटी साइड। और ये रोड चला गया है भोपाल और ये रोड चला गया है हैदराबाद की ओर। तो हमें जाना है भाई महिंद्रा लोड करने, जो कि ट्रैक्टर है
तभी सीधा सिटी साइड की जाएंगे, नागपुर सिटी साइड। और पहले ही हमें भाई माल लेना है ड्राइवर साइड, और वहाँ से फिर अपना दो ट्रैक्टर लोड करके हम चलते बनेंगे कोल्हापुर, कोल्हा नहीं यार अकोला, अकोला से फिर पूना समुद्री एक्सप्रेस होके भाई। चलो अभी चलते हैं ट्रैक्टर के पास पहले। तो भाई हमें यहीं से यार अंदर जाना है, अभी धीरे धीरे तब आते हैं भाई, यहीं से कट मारना है, पतला रास्ता थोड़ा यार दिक्कत होती है। लो भाई पहुंच गए हम, अभी फ़ोन करते हैं फाइनली अपने मुंशी को। और यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्टर है, उसके आगे बहुत बड़ा गोदाउन है, कंपनी है भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है ट्रैक्टरों की। तो भाई हम पहुंच गए लोडिंग पॉइंट पे, इधर यार अपना फलका का खोल के ना फाइनली ओके कर दिया अपनी गाड़ी को। और इधर दो ट्रैक्टर थे अपने, ये बड़े वाला, ये उससे थोड़ा सा छोटा। तभी भाई यही दोनों लोड होंगे अकोला के, तभी लोड कराते यार। तगड़ी धूप और गर्मी भाई बहुत है इधर। देखा ना